संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। पूर्व कांग्रेस विधायक के बयान पर बवाल, पीएम मोदी की हत्या वाले बयान पर फंसे राजा पटेरिया, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया के बयान पर बवाल मच गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान देते हुए हत्या की बात कही है। पटेरिया के बयान का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। खुद सुनिए। मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा दलितों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। राजा पटेरिया के इस बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजा पटेरिया के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश देने की बात कही है। दरअसल आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल FIR कराने का SP को निर्देश दे रहा हूं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पीएम मोदी से मुकाबला नहीं कर पाते, इसलिए उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। ये विद्वेष की पराकाष्ठा है, ये घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। FIR की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। फिलहाल राजा पटेरिया के बयान पर कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद पटेरिया ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी को चुनाव में पराजित करने की बात कर रहा था, हत्या की बात नहीं की थी। मेरे दिए गए बयान का गलत मतलब निकाला गया है। वहीं पटेरिया के वायरल वीडियो की बात करें तो वो इसमें चुनाव जीतने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बात करते सुनाई पड़ रहे हैं।